कुछ दिनों से ये बात कई बार चर्चा होती है, आजकल बताई भी बहुत जाती है, इस पर विज्ञापन भी बहुत होते हैं कि कैसे लोग साइबर फ्रॉड का ऑनलाइन अलग अलग माध्यमों से कैसे फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं। ऐसी एक घटना ठाणे में रहने वाली एक महिला के साथ हुई जिसको एक फेक जॉब ऑफर के जरिए इंस्टाग्राम पर 5 लाख रुपए उसके अकाउंट से साफ कर दिए गए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये पूरी खबर क्या है और उसके बाद आप कैसे सतर्क रह सकते हैं इस तरीके के फ्रॉड की अटेम्प्ट से। कोई अगर कोशिश करे आपको भी इस तरह का शिकार बनाने का, तो उससे कैसे सतर्क रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं, उसका तरीका भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या पूरा मामला है और कैसे इस महिला से 5 लाख रुपए ऐंठ लिए गए। तो ये जो पूरा मामला है, ये इंस्टाग्राम पे ये जो महिला है, ठाणे में रहने वाली महिला है, इनको एक जॉब ऑफर आता है, एक कंपनी इनको जॉब ऑफर देती है, इंस्टाग्राम पर इस नौकरी का विज्ञापन जो है वो लगाया जाता है। जॉब अप्लाई करने के लिए एक पेमेंट लिंक इनको भेजा जाता है और उस पेमेंट लिंक के बाद पेमेंट करने के 6 दिन के बाद, मतलब वो जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म के लिए उन्होंने कुछ थोड़ा सा रकम मांगी और उसके 6 दिन बाद उसकी अकाउंट से 5 लाख रुपए गायब हो जाते हैं। महिला ने जॉब ऑफर करने वाले से संपर्क साधा, जॉब ऑफर करने वाले की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला और उसके बाद अब साइबर जो वहां की क्राइम टीम है, साइबर फ्रॉड डिपार्टमेंट है मुंबई का, उसमें यहां पर यह मामला दर्ज कराया गया है, शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है। तो ये एक बहुत जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे लोगों को खास तौर से कोशिश की जाती है लोगों को इस तरीके के लुभावने एड्स के जरिए इस तरह के ऑनलाइन फ्रॉड में फंसाने का। लेकिन आप इंस्टाग्राम पर या किसी और वेबसाइट पर इस तरह का अगर कोई ऑफर देखें तो क्या क्या चीजों को ध्यान रखें जिससे कि आप इस तरीके के किसी भी मामले का शिकार ना हो। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आप इससे बच कैसे सकते हैं, कुछ एहतियात हैं जो आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहले जब भी कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर दे या कुछ और बात करे, उसको ऑनलाइन गूगल पे जाके उस कंपनी का नाम सर्च जरूर कर ले, किसी दूसरे सोर्स से उस लिंक को जरूर सर्च करें, उसके बारे में थोड़ी जान पड़ताल जरूर करें। यूआरएल जो है उसमें कोई अगर गलती दिखे तो सतर्क हो जाइए, कि कई बार क्या होता है कि जो कंपनी के यूआरएल होते हैं या ऑफिशियल यूआरएल होते हैं उससे थोड़ा अलग आपको जो यूआरएल होता है, यूआरएल का मतलब होता है जो ऊपर नाम लिखा हुआ आता है, एक पूरा HTTPS के बाद एक पूरा लंबा सा जिसपे लिंक पे आप क्लिक करते हैं, उसमें अगर कुछ गलती दिखाई पड़े तो आप सतर्क रहिए। अनजान विज्ञापन या लिंक को क्लिक बिल्कुल भी ना करें, जिसको आप जिसकी तस्दीक ना कर पाएं। साथ ही साथ जो पोस्ट शेयर की गई है उसे ध्यान से पढ़ें, अगर ज्यादा जानकारी नहीं है तो लिंक पे क्लिक मत करें। व्याकरण या शब्दों में अगर गलती हो तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि कई बार ये लोग क्या करते हैं कि सरकार के नाम से करते हैं और उसमें PIB के साथ कुछ जोड़ देंगे, रेलवे के साथ कुछ शब्द आगे जोड़ देंगे या कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी, तो उसके साथ ऐसा अगर कुछ हो तो उस पर भी कुछ सतर्क हो जाइए। बहुत ज्यादा अगर कोई आपको कहता है कि नौकरी है और इसमें सीधे आपको पहली बार में ही लाखों रुपए की सैलरी मिलेगी, बहुत ज्यादा सैलरी ऑफर हो, तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं जालसाजी की तरफ ही आपको लेके जा रहा है। निजी ईमेल अकाउंट से अगर ये मैसेज आया हुआ हो या आपको कोई निजी ईमेल अकाउंट दिया जाए जिससे इसको कहा जाए कि इस पर क्लिक कर दीजिए, तो सतर्क हो जाइए, किसी भी कंपनी का या कोई भी इस तरीके का निजी अकाउंट से वार्तालाप नहीं होती है, तो ध्यान रखिए। उसके बाद अगर आपसे कोई पेमेंट मांगा जाए तो पहले उस कंपनी के एड्रेस के बारे में, उसके फ़ोन नंबर और वेयर अबाउट्स के बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद ही किसी तरीके का कोई पेमेंट करें और इस तरह की जालसाजी से बचे रहें।